नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राजपूत श्री सिद्धार्थ प्रॉपर्टीज से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज जहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ वो नन्हे पारा की लोकेशन है, उत्तम नगर के अंदर 2 BHK का फ्लैट दिखाने वाला हूँ। 125 गज की हमारी टोटल बिल्डिंग है, जिसके अंदर हमने 75 गज का एक 3 BHK फ्रंट में निकाला है, 50 गज का 2 BHK हमने बैक साइड में निकाला है। इसमें आपको कार पार्किंग और बाइक पार्किंग दोनों के ऑप्शन मिल जाएंगे। आज जो मैं आपको फ्लैट दिख रहा हूँ वो सैम्पल फ्लैट है। अभी इसके अंदर हमारी 3 यूनिट्स अवेलेबल हैं, अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इसका हम रूफ राइट दे रहे हैं हम कॉमन दे रहे हैं बैक साइड वाले 50 गज के फ्लैटों के लिए। यानी कि अगर आप अपर ग्राउंड भी फ्लैट अपना बुक करते हैं तो आप इजीली अपनी छत पर जा सकते हैं, कोई आपको छत पर जाने के लिए रोकेगा टोकेगा नहीं। अगर मैं लोन की बात करूँ तो इस प्रॉपर्टी पे इजीली 90 से 95% लोन अवेलेबल है। अगर आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो 100% लोन भी हम इस प्रॉपर्टी पे दे देंगे आपको। 2 BHK का फ्लैट है, सिंगल वॉशरूम के साथ में हमारा ये फ्लैट दे रखा है। मॉड्यूलर किचन है, विट्रीफाइड टाइल्स का हमने यूज़ करा है, LCD पैनल, फैंसी लाइट, फॉल सीलिंग और साथ में फैंस। अगर यहाँ से हम मेट्रो की बात करें तो नवादा मेट्रो स्टेशन यहाँ से हार्डली 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। उत्तम नगर मेन रोड हार्डली यहाँ से 350 से 400 मीटर के डिस्टेंस पे है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तम नगर के अंदर पार्क की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो इस फ्लैट से हमारा जो पार्क है जैन पार्क है वो यहाँ से हार्डली 300 से 400 मीटर के डिस्टेंस पे है, जो कि 1 एकड़ का पार्क है। उसके अंदर आपको झूले वगैरह बच्चों के लिए और साथ में काफ़ी अच्छा पार्क, पूरी ग्रीनरी आपको मिल जाती है। अगर मैं यहाँ से आपके मेन बिंदापुर मटिया रोड की बात करूँ तो मेन बिंदापुर मटिया रोड यहाँ से हार्डली 50 से 60 मीटर के डिस्टेंस पे है। मार्केट नियर बाय है, स्कूल्स हमारे नियर बाय हैं और साथ में ATMs और बैंक्स भी आपके नियर बाय हैं। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल भी यहाँ से हार्डली 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। द्वारका सेक्टर 3 यहाँ से हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो कि आप इजिली जा सकते हैं और साथ में आपको द्वारका की साथ में होने की एम्यूनिटीज़ भी आपको मिल जाएंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, अब हम आगे अपने फ्लैट पे, ये हमारा फ्लैट है। साथ में आपको दिखाना चाहूँगा कि आयरन गेट पहले से इंस्टॉल कर रखे हमने इसमें, और अगर गेट की बात करें तो 8 फीट का गेट मिलता है, सनमाइका के साथ गेट मिलता है, दोनों तरफ सनमाइका का यूज़ करा हुआ है। साथ में आपको हैंडल लॉक मिल जाता है। हम एंट्री करते हैं अपने लिविंग रूम की तरफ। अगर लिविंग रूम के साइज़ की बात करें तो अंदाजन 14x10 का हमारा ये लिविंग रूम है, जिसके अंदर हमने 5 सीटर का सोफ़ा प्लेस कर रखा है, साथ में 2 पॉपीज रखे हुए हैं और बीच में आपका कॉफ़ी टेबल। अगर फ्लोरिंग की बात करें तो विट्रीफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग है, स्क्रैच टाइल्स हमारी फ्लोरिंग है पूरी टाइल्स। और साथ में आपको यहाँ पे टेक्सचर पेंट दिखाना चाहूँगा, बहुत ही सुंदर टेक्सचर पेंट करा गया है फ्लैट के अंदर। साथ में आपको फैंसी लाइट मिल जाती है। फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग में भी वॉर्म लाइट्स का यूज़ करा गया है, LED लाइट्स एंड कॉब लाइट्स के साथ फॉल सीलिंग का पूरा डिज़ाइन करा गया है। साथ में आपको टेक्सचर पेंट दिया है। अगर इस तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको LCD पैनल मिल जाता है, यहाँ पे आप अपना इजिली अपना TV स्टोर कर सकते हैं। साथ में आपको ऊपर डेकोरेटिव बॉक्स मिल जाते हैं, साथ में अगर आपको आपको सामान रखना है स्टोर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर हम वॉल के इस तरफ दिखाना चाहें तो यहाँ पे भी हमने 3 स्लैब्स दे रखी हैं, जिसके अंदर आप इजीली जो है इसको अपना डेकोरेट भी कर सकते हैं, अपने एंटिक्स वगैरह रख सकते हैं। साथ में कोई ट्रॉफीज़ वगैरह होती हैं बच्चों की, आप वो भी इसके अंदर अपना डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ किचन इस एरिया की। अगर किचन की बात करें तो 5x6 की हमारा किचन मिलता है, फुल मॉड्यूलर किचन है। यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर का स्पेस आ जाता है, साथ में आपको ग्लास लगा रखा है ताकि रेफ्रिजरेटर पर कोई भी पानी ना जाए। मॉड्यूलर किचन दे रखा है, नीचे आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं, SS की बास्केट्स दे रखी है सारी। साथ में आपको ऊपर स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स मिल जाते हैं। अगर ऊपर कैबिनेट्स की बात करें तो अंदर बाहर दोनों तरफ सनमाइका का यूज़ करा गया है, पार्टीशन दे रखा है। साथ में आपको पूरी किचन के अंदर आईबॉल लाइट्स मिलेंगी और बीच में एक फैंसी लाइट दे रखी है, जो कि किचन के लुक को काफ़ी अच्छा बनाती है। साथ में किचन में भी फॉल सीलिंग दे रखी है। अगर इस तरफ देखना चाहेंगे तो यहाँ पर सिंक दे रखी है, अभी सैनिटरी फिटिंग से लगी रहती है, यहाँ पे आप अपने लिए RO इंस्टॉल कर सकते हैं। हम चलते अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर अभी सैनिटरी फिटिंग्स लगनी रहती हैं। वॉशरूम के अगर साइज की बात करें तो 5x6 का वॉशरूम मिलता है, जिसके अंदर डुअल टोन के अंदर हमने टाइल वर्क करा हुआ, पूरा वॉल टू वॉल टाइल वर्क है और साथ में रूफ हाइट तक का टाइल वर्क दे रखा है। वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट दे रखी है, साथ में फॉल सीलिंग। हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। बेडरूम के साइज़ की बात करें तो 10x11 का बेडरूम मिलता है, जिसके अंदर हमने 6x6 का एक स्टैंडर्ड साइज़ का बेड आपको डाल के दिखा रखा है। इस तरफ हमारा टेक्सचर पेंट आ जाता है, साथ में हमने लैंप्स दे रखी हैं। ऊपर फॉल सीलिंग की बात करें तो डिसेंट फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग के अंदर भी टेक्सचर पेंट का यूज़ करा गया है। इस तरफ हमारा TV पैनल आ जाता है, बेडरूम के अंदर TV पैनल दे रखा है, इजिली आप अपना इसमें TV इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, 2 स्लैब्स दे रखी हैं, आप सेटअप बॉक्स वगैरह रख सकते हैं, साथ में कुछ एंटिक्स वगैरह भी रख सकते हैं। ऊपर देखा जाए तो ऊपर स्प्लिट AC का प्रोविजन दे रखा है।
और साथ में इस रूम में एक वार्डरोब दे रखी है। वार्डरोब में भी काफ़ी अच्छा साइज मिल जाता है वार्डरोब का, डबल ड्रॉर्स हैं वार्डरोब के अंदर, नीचे साथ में शोरैक मिलता है, और इस तरफ रूम की वेंटिलेशन के लिए एक विंडो निकाल रखी है। हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। ये हमारा सेकंड बेडरूम है। बेडरूम की साइज़ की बात करें तो अंदाजन 10x10 का बेडरूम है, जिसके अंदर आपको हमने 5x6 का बेड डाल के दिखा रखा है। साथ में आपको इस वॉल पे टेक्सचर पेंट मिल जाता है, नाइट लैंप्स मिल जाते हैं, और अगर फॉल सीलिंग की बात करें तो एकदम डिसेंट फॉल सीलिंग कर रखी है। फॉल सीलिंग के अंदर अगेन हमने टेक्सचर पेंट का यूज़ कर रखा है। अगर इस रूम की वेंटिलेशन की बात करें तो इसके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से शाफ्ट मिलती है, काफ़ी अच्छा साइज रखा है शाफ्ट का। साथ में इस फ्लैट के अंदर हमने एक स्टोरेज दी है, इसको आप अपना स्टोर रूम बना सकते हैं या ये वेंटिलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपने हमारा फ्लैट देखा, 2 BHK का फ्लैट है, 50 गज के अंदर फ्लैट है, कारपेट एरिया 50 गज है, कवर्ड एरिया जो है 55 गज है, मॉडुलर किचन के साथ है और बिल्कुल मॉडुलर फ्लैट दे रखा है। इसके अंदर बाइक पार्किंग और कार पार्किंग दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप बाइक पार्किंग के अंदर फ्लैट लेते हैं तो 19.5 लाख रुपये का फ्लैट है, अगर आप कार पार्किंग के साथ फ्लैट लेते हैं तो 21 लाख रुपये का फ्लैट है। लोनेबल प्रॉपर्टी है, 90-95% ईजिली आप लोन ले सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।